तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। हाय गाइस, दिस इज मी संजय। आप लोग देख रहे हो आई ब्रांड बॉय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अमित भड़ाना का 20 मिलियन सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ देखना ज़रूर। हो गए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। हमने 20 मिलियन कंप्लीट कर लिया है। ये अमित भड़ाना ने, जो इंडिया के नंबर वन क्रिएटर हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, उन्होंने 20 मिलियन कंप्लीट कर दिया है कल। और उनको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। एक इंडिविजुअल क्रिएटर ने आज 20 मिलियन क्रॉस किया है ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा कोई दूसरा क्रिएटर नहीं है। बोलते हैं ना, उनके काफी सारे ऐसे डायलॉग्स भी है जो फेमस है, मास्टर भी कहते इसे ना पढ़ाना, नाम है इसका अमित भड़ाना। तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू, जिसको चाहूं उसको लपेटूं, इस तरीके के कई सारे फेमस डायलॉग की वजह से फेमस हुए थे अमित भड़ाना। अमित संग रिया, मैंने दिल तुझको दिया, तू मेरी सजनी मैं तेरा पिया, चल मेरी गैल दोनों रचाएंगे बिया। का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होने की वजह से उनको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद दिल्ली उन्होंने अपनी पढ़ाई यमुना बिहार के किसी स्कूल से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने लॉ की तैयारी करी थी। लॉ की तैयारी करने के बाद जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम पे कॉलेज की छुट्टियों में आके उन्होंने एक वीडियो को डॉप किया था, वीडियो को डॉप किया था। उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाली थी, और ये बात होगी करीब 2015। हंस के मांग ले जान, दे देंगे तो ये जान, ओ मेरी जान, इतना जान, मुझे ना सताना, प्यार करे तुझे बढ़ाना, प्यार करे तुझे बढ़ाना, हट। अरे मैया ने अपने जो है अपने फोन से एक छोटा सा वीडियो शूट करके अपने फेसबुक अकाउंट में डाला, यानी कि डब करके किसी मूवी का एक छोटा सा क्लिप लिया और डब करके उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला। फेसबुक अकाउंट में डालने के बाद उनको कुछ दिन बाद जब फेसबुक अकाउंट खोला तो बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे अच्छे व्यू आए थे, बहुत अच्छे लाइक आए थे, लोगों ने कहा था अच्छा है और बनाओ। तो इन्होंने धीरे धीरे करते करते इसी तरीके के वीडियो डब करके अपने अकाउंट में डालने स्टार्ट करे, और उनका टर्निंग पॉइंट आया सनी देओल की बॉर्डर फिल्म के एक छोटे से क्लिप से। उस फिल्म की उस छोटे से क्लिप को उन्होंने डब किया, जिसमें सीधा मिलियंस व्यू चले गए, काफी ज्यादा व्यू चले गए, जिसकी वजह से उनके एक दोस्त है, उन्होंने उनको कहा कि आप वाइंस बना लीजिए, वाइंस वीडियो बना लीजिए। और उसके बाद उन्होंने फेसबुक से यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। यूट्यूब पे शिफ्ट होने के बाद उनको जो है बनाना तो था, वीडियोस तो बनाने थे, लेकिन अब किस तरीके की वीडियो बनाए, क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर स्टार्टअप कर रहे थे, और बहुत सारे यूट्यूबर ने जो है अच्छा खासा अपना मार्केट जमा लिया था, अच्छा खासा अपना पब्लिसिटी भी कर ली थी, अच्छा खासा उन्होंने अपना जो है फैन फॉलोइंग बना चुके थे। तो वो चाहते थे कि सारे वाइनर जितने भी यूट्यूबर हैं, इनसे सबसे मैं डिफरेंट करूं, सबसे अलग करूं, और मेरी वीडियो जो है सारी पूरी फैमिली बैठ के देख सके। अगर किसी को फैमिली वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो देख सके, और मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसको देख करके लोग खुश हो जाए और फैमिली के साथ देख के कोई आपत्ति ना हो। इसीलिए इनको लगा कि मुझे अब थोड़ा सा डिफरेंट करना है, थोड़ा सा अच्छा करना है। इन्होंने उसके बाद धीरे धीरे वाइंस जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। उसे इनको लोग कहते थे अरे क्या कर रहा है तू, ये फालतू चीज, अपना लॉ की पढ़ाई कर, कंप्लीट कर, उसके बाद अच्छा पैसा कमा, अच्छा पैसा मिलेगा तेरे को। इन्होंने इनके पास दो रास्ते थे, एक अपना पैशन, एक इनका जो पैसा, पैसा और पैशन में इन्होंने चूज किया अपने पैशन को, यानी कि यूट्यूब को। इन्होंने धीरे धीरे वाइंस बनाना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते सबसे ज़्यादा इनके जो है सब्सक्राइबर होने लगे, जैसे कि इंडिया में आज 4 साल के अंदर अंदर 20 मिलियन एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर किसी के हैं। हाँ भाई, शुरू है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करते आप, मैंने नोटिस किया है, नोट सब्सक्राइबर की जनसंख्या ज़्यादा है, सब्सक्राइब वालों की भी बहुत है, नोट सब्सक्राइब वाले भी वीडियो देखकर चुपचाप निकल जाते हो। ऐसा मत किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो।